नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक दीदारगंज की यक्षिणी पर आधारित है। दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आता हूं, नई नई घटनाओं से आपको रूबरू कराता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। १९१७ में पटना के दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तर प्रतिमा दीदारगंज यक्षिणी भारतीय कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस कलाकृति को भारत का त्रिविमीय नारी मूर्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। 1919 के जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में डॉक्टर डी बी स्पूनर का आलेख एवं माल सलामी थाना के इंस्पेक्टर द्वारा 20 अक्टूबर 1917 को लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट के माध्यम से हमें इस मूर्ति के प्राप्त स्थल का पता चलता है। स्पूनर ने रिपोर्ट में लिखा कि दीदारगंज कदम रसूल के थाना माल सलामी गांव के काजी गुलाम मोइनुद्दीन के बेटे गुलाम रसूल को यह मूर्ति पटना शहर के पूर्वी भाग में गंगा नदी के किनारे जमीन में गड़ी हुई मिली थी, जिसने घरेलू प्रयोग के लिए पैसे देकर इस पत्थर को बाहर निकलवाया। मूर्ति देखकर गुलाम रसूल ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली और ग्रामीणों ने मूर्ति को देवी समझकर पूजना शुरू कर दिया। बाद में गुलाम रसूल ने थाना माल सलामी के इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी। वहीं 20 अक्टूबर 1917 को माल सलामी थाने की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार गंगा के किनारे जमीन से उभरे पत्थर पर धोबी अपने कपड़े धोया करते थे। 18 अक्टूबर 1917 को जब गांव की एक धोबिन उस पत्थर पर कपड़े धो रही थी, एक सांप को पत्थर के निकट एक बिल में घुसते हुए देखा गया। सांप को मारने के लिए जब लोगों ने आसपास की मिट्टी हटाई तो पाया कि यह एक आदमकद स्त्री की प्रतिमा है और इसका पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इस वाकई की सूचना देने वाले का नाम रिपोर्ट में गुलाम रसूल अंकित है। स्रोतों के अनुसार 17 नवंबर 1917 को यह मूर्ति पटना म्यूजियम में लाई गई और पत्रांक 261 दिनांक 20 नवंबर 1917 द्वारा पुरानिधि निखात कानून 1878 के तहत मिस्टर ई एच सी वॉल्श द्वारा इस कला को पटना म्यूजियम में अधिग्रहित किया गया, यानी प्राप्ति के ठीक एक महीना बाद यह प्रतिमा संग्रहालय पहुंच गई। डॉक्टर डी बी स्पूनर की यह रिपोर्ट 1919 में जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के वॉल्यूम नंबर 5 के भाग 2 में करीब 1.5 से 2 वर्ष बाद छापा गया था। अनुसंधानकर्ता इस मूर्ति को ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी यानी मौर्य काल से लेकर ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी का मानते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर पृथ्वी कुमार अग्रवाल, आर पी चंदा, प्रमोद चंद्र और पी के जायसवाल जैसे विद्वान इस प्रतिमा को मौर्यकालीन मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जे एन बनर्जी, निहार रंजन रॉय और एस के सरस्वती आदि विद्वान इसे उत्तर मौर्यकाल में निर्मित मानते हैं। कला इतिहास के आधिकारिक विद्वान डॉक्टर कुमार स्वामी ने मौर्य कलाकृतियों को 2 भागों में बांटा है, जिनमें पहली है राजकीय अथवा राजपोषित कला और दूसरी है परंपरागत अथवा लोक कला। सभी विद्वान कुमार स्वामी के इस विभाजन को मानते हैं। अशोक की लाट, राजभवन और सार्वजनिक निर्माण आदि राजकीय कलाकृतियां मानी जाती हैं, जबकि यक्ष यक्षी, छोटे मोटे बर्तन या सजावटी सामान, मानवीय आकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां इत्यादि लोक कलाकृतियां हैं, जिनमें वैसी निपुणता नहीं दिखती जैसा कि राजकीय निर्माणों में दिखती है। शायद इसका कारण राजकीय निर्माणों में यूनानी ईरानी कलाकारों का सम्मिलित रहना है। यूं तो पटना, यक्ष, पाखम, बेसनगर, पवाया से भी कई यक्षी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन इतिहासकार प्रशांत कुमार जायसवाल का मत है कि दीदारगंज चामर धारणी मूर्ति किसी यक्षी की नहीं बल्कि सम्राट अशोक के लिए अनिवार्य स्त्री रत्न की मूर्ति है।
अशोक नारी सत्ता के उत्थान के समर्थक थे, जिसके लिए अशोक ने कई सुधारात्मक कार्य भी किए थे। वे कहते हैं अशोक के द्वारा ही उनके राजकीय शिल्पी की देखरेख में स्त्री रत्न के प्रतीक के रूप में इस मूर्ति को बनवाया गया होगा, अतः इसे लोक कला की परंपरा की कलाकृति मान लेना दोषपूर्ण है। यह राजपोषित कला हो सकती है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से राजकीय कलाकारों की देखरेख में किया गया होगा, क्योंकि जिस कलाकार ने चेहरे और वक्ष स्थल का चित्रण असाधारण सूक्ष्मता, स्वाभाविक शारीरिक लोच और जीवंतता से किया हो, उसी कलाकार के द्वारा पैर और पृष्ठभाग के साधारण प्रारूपण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मूर्ति का कमर तक का भाग पारंगत गुरु ने तो कमर से पैर तक का भाग उसके शिष्यों द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। निश्चित रूप से यह अशोकन आर्ट है। इस मूर्ति का दीदारगंज से प्राप्त होना इस बात को बल देता है कि यह मूर्ति पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार के निकट स्थापित हुई होगी, जिसे संदेश देने की मुद्रा में ऊंचाई पर स्थापित किया गया होगा, ताकि इसमें निहित संदेश दूर दराज तक पहुंचे। अब क्योंकि मौर्य राजा कुछ ज्यादा ही विज्ञापन प्रिय थे, तो यह तर्क सटीक लगता है। मौर्य मूर्ति कला में ऊंचाई पर स्थापित प्रतिमाओं के वह भाग नहीं चमकाए जाते थे जिन पर देखने वाले की नजर नहीं जाती हो, जैसे वैशाली स्तंभ के शेर के पांव को चमकाया नहीं गया था, वैसे ही दीदारगंज यक्षिणी के पांव भी नहीं चमकाए गए हैं, जबकि कमर तक का भाग मौर्यन पॉलिश से दमक रहा है। इसे चुनार के पत्थर से बनाया गया है, जो अशोक स्तंभों के शीर्ष मूर्तियों से मिलती जुलती है, जो निसंदेह इस मूर्ति को मौर्यकालीन बनाते हैं। इस मूर्ति को भी स्तंभ के शीर्ष बनाने वाले निपुण कारीगरों ने ही बनाया होगा। मूर्ति के परिचय में इसका काल ईसा पूर्व 299 से 200 बताया जाना सही है। इस प्रतिमा में नारी सौंदर्य और शारीरिक कमनीयता का सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है। पेट, कमर और गर्दन की पेशियों के वलय को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। स्तनों को पुष्ट और भिन्न आकार में दिखाया गया है। कूल्हे को चौड़ा और भारी बनाया गया है, जो एक सुंदर कमनीय और मातृत्व प्राप्त स्त्री के भारतीय अभिलक्षण है। यह निश्चित ही आदर्श नारी के प्रतीक स्वरूप बनाई गई होगी। मौर्य काल के आसपास लिखित वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित नारी के अभिलक्षणों का समावेश इस मूर्ति में दिखाई देता है। विद्वानों के अनुसार इसका स्निग्ध शरीर, पतली कमर, विस्तृत कूल्हे नारी के सौंदर्य का प्रतीक हैं, जो सृष्टि को उर्वरा और गतिमान बनाए रखता है। इसके दुग्धपूर्ण उरोज और उदरावली मातृत्व के प्रतीक हैं। इसके चेहरे के भाव में दृढ़ता है, जो शक्ति का प्रतीक है, और चीवर सेवा भाव का प्रतीक है। दीदारगंज यक्षी वास्तव में यक्षी नहीं, विश्व की वह पहली प्रतीकात्मक कृति है जिसके माध्यम से नारी के सार्वभौमिक महत्व को आज से 2000 साल पहले प्रदर्शित किया गया था, जो संपूर्ण रूप से नारी शक्ति को समर्पित है। प्रोफेसर समादार द्वारा इस प्रतिमा को बिहार को समर्पित करने का श्रेय दिया जाता है। अति प्राचीन यूनानी स्त्री मूर्तियां एफ्रोडाइट ऑफ नाइट्स, कैपिटोलिन वीनस, वीनस पुडिका और प्रसिद्ध स्त्री मूर्ति वीनस डी मिलो की अपेक्षा दीदारगंज की यक्षी मूर्ति ज्यादा प्राचीनतम साबित होती है, यदि इसका काल 3rd शताब्दी ईसा पूर्व है। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।